हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसमें मैथ की आज दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के पार्ट थ्री मैं बताऊंगा। इसके पहले मैंने दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के दो पार्ट ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप पिछली वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि मैथ बाई ओडी स्टडी पॉइंट। जैसा कि पता है मेरे दोस्तों कि आज HCF और LCM का पार्ट थ्री है। इसके पहले मैंने HCF और LCM के दो पार्ट बना चुका हूँ, जो कि बिल्कुल बेसिक से दोस्तों पढ़ाया हूँ। अगर आपने वो भी पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी हो तो YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं कि HCF और LCM बाई ओडी स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने बहुत बिल्कुल बेसिक से विद कॉन्सेप्ट, आज यहाँ पर ट्रिक की जरूरत है वहाँ ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया। सो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे HCF और LCM के पार्ट थ्री। HCF और LCM के पार्ट थ्री स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं HCF और LCM के पार्ट थ्री के पहला क्वेश्चन। जैसा कि लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यदि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हाँ, हमेशा आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 8, 9, 12 और 15 का। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 चौका 8, 9 2 छक्का 12, फिर 15, फिर 2 से 2, 2 4, 9 2 3 6, फिर 15, फिर 2 से करिए 2 1 2, 9 3 15, फिर 3 से 1, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 1, 1 1 5, फिर 5 से 1, 1 1 1। अब इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 2 दुना 4 दुना 8 3 24, 24 कितना होता है 72, 72 गुणे 5, तो 72 गुणे 5 कितना होगा 5 दुना 10, और 5 से 35 और 1 कितना होगा 36। इस तरीके से मैंने दोस्तों 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लिया, जो कि 360 है। फिर बोला है लास्ट में दोस्तों कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो दोस्तों, इस एलसीएम में से यानी 360 में से एक घटा देना, यानी क्या 359 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसा कि बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। जैसा कि दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि यदि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको लॉसा निकालना होता है। तो मैंने 8, 9, 12, 15 का लॉसा निकाल लिया, जो कि लॉसा 360 आया। अब दोस्तों बोला है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो उसमें से एक मैंने माइनस कर दिया, जो कि 359 मेरा आंसर हो गया। अब दोस्तों इस पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि लिखा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि 5, 8, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। जैसा कि मैंने बताया कि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको लॉसा निकालना, यानी लघुत्तम समापवर्तक। सो दोस्तों, पहले 5, 8, 15, 20 का लॉसा निकालते हैं, 5, 8, 15, 20 का लॉसा निकालते हैं। तो 5 1 5, फिर 8 नोट कर लेंगे, 5 3 15, फिर 5 4 20, फिर 4 से कैंसिल करिए, 1 4 2 8 3, फिर 4 1 50, फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से कैंसिल करिए, 1 1 1 1, तो हो जाएगा आपका एलसीएम 5 4 20 2 40, 40 3 कितना होता है 120, मेरा एलसीएम आ गया 120 यानी 120। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 113। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अब मैं दोस्तों लेता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कैसे क्वेश्चन बनता हो उसको मैं बताता हूँ।
जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लसन निकालना, तो सबसे पहले 4, 5, 6, 7, 8 का आप लसन निकाल लेंगे। 4, 5, 6, 7 और 8 का लसन निकालेंगे, तो 2 दूना 4 5, 2 3 6, 7 2 4, फिर 2 से 2 1 2 5 3 7 2 2 4, फिर 2 से 1 5 3 7 1, फिर 3 से 1 5 1 7 1, फिर 5 से 1 1 1 7 1, फिर 7 से 1 1 1 1 1। इस तरीके से आप लसा कितना निकालिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 हो गया, गुणे 5 7 35, अब मल्टीप्लाई करा दिए, 24 25 120 को 0 हासिल बचे 12, 24 3 72 72 2 74 84, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 840, एलसीएम कितना आ गया 840। अब दोस्तों बोला है कि इतना से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 से बचे, तो सबसे पहले दोस्तों मूल संख्या आपका क्या दिया है 4, 5, 6, 7 और 8, शेष कितने बच रहे 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, अब दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इसके दोनों का डिफरेंस 1, इस दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, यानी आप देख रहे हैं दोस्तों कि मूल संख्या 4, 5, 6, 7, 8 तथा शेष बची हुई संख्या 3, 4, 5, 6, 7 के बीच का डिफरेंस सब में सेम है, यानी सब में मूल संख्या और शेष संख्या के बीच 1 का डिफरेंस है, तो 1 इसमें से आप माइनस कर देंगे यानी हो जाएगा 839। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए जैसा कि लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लेना है जो कि 840 है, फिर देखना है मेरे दोस्तों कि मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच कितने का डिफरेंस है, तो मैंने देखा कि सब में एक एक का डिफरेंस है, तो मैंने एलसीएम में से एक घटा दिया जो कि 839, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए मेरे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 12, 15 से भाग देने पर 6, 8, 11 शेष बचे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आप एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 2 5 10 2 6 12, फिर 15 नोट कर लेना है, फिर 2 से 5 2 3 6, फिर 15 नोट कर लेना है, फिर 3 से 1 5 3 5 15, फिर 5 से 1 1 1, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 दुना 4 3 12 25 60, एलसीएम कितना आ गया 60, 2 दुना 4 3 12 25 60। अब देखना है मेरे दोस्तों कि मूल संख्या शेष बची हुई संख्या के बीच कितने का डिफरेंस है, तो लिख लीजिए 10, 12 और 15 है, शेष कितने बजेगा 6, 8 और 11, डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 4 का, तो ये डिफरेंस कितना है 4, तो 4 इसमें से माइनस कर दीजिए यानी क्या हो जाएगा 54, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अब दोस्तों हम बताते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनता है उसको मैं बताता हूँ, तो दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनता है लसा और मसा का। जैसा कि लिखा गया कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बचे। बोला है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बने। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, 15, 18 और 25, 15, 18 और 25 के एलसीएम निकाल लेना है, 15, 18 और 25 के एलसीएम निकालिए पहले, तो 5 3 15 18 नोट कर लीजिए, 5 5 25, फिर 3 से 3 1 3, 3 6 18, फिर 5 नोट कर दीजिए, फिर 5
फिर पांच से मान लीजिए, 5 एकम 5, फिर 6, फिर 1, फिर 6 से 1 1 1, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15 25 75, 75 छक्का कितना होता है, 75 छक्का कितना होता है, 6 25 30, 3 6 42 3 45, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 450। एलसीएम कितना आ गया, 450। हमको किसके निकटतम पहुंचना है, 2000 के। 2000 के निकटतम का सेंस ये है कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो 2000 के नजदीक लेनी है, ऊपर नहीं, मतलब 2000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 2000 के करीब हो जाए उससे अप नहीं लेना है, यानी 2000 के ऊपर नहीं लेना है। तो 450 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हम 2000 के निकटतम पहुंच जा पाएंगे, तो मैंने 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 1800 आ जाता है, लेकिन अगर इसी में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 2000 के ऊपर चला जाता है, जो कि वो हमको चाहिए नहीं, 2000 के नजदीक या उसके अंदर ही चाहिए, तो 1800 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है कि 15 18 25 से भाग देने पर शेष 10 13 20 बचता है, तो 15 18 25 शेष कितने बच रहे हैं, 10 13 और 25। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 5 5। अब कॉमन डिफरेंस तीनों कितना है, 5 5 का है, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1795। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा कि बोला गया कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 18 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 13 और 20 बचे। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया, 15 18 और 25 का एलसीएम निकाल लिया जो कि 450 आया। सो दोस्तों बोला गया जैसा कि क्वेश्चन में कि 2000 के निकटतम पहुंचना है, तो आपको ये सोचना है कि 450 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2000 के करीब पहुंच जाए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि मेरा 1800 आ गया। अब दोस्तों देखना है कि मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, तो मैंने देखा मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या, मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या, मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच डिफरेंस 5 5 का है, तो मैंने 1800 में से 5 घटा दिया तो कि 1795 मेरा आंसर हो गया। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट आप 450 में से ये डिफरेंस मत घटाइएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पहले एलसीएम को मतलब जितना एलसीएम आपका आता है, जैसे कि मेरा 450 आया है, तो 450 को उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 2000 के निकटतम पहुंच जाए, तो उस निकटतम संख्या पर पहुंचने के बाद आपको कॉमन डिफरेंस घटाना है। कॉमन डिफरेंस बोले तो मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच का जो अंतर है, तब उसको घटाना है। ओके दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि बोला गया कि 5000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40 75 80 से भाग देने पर शेष क्रमशः 30 65 70 बचे। सो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको 40 75 80 का एलसीएम निकाल लेना है, 40 75 80 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो पहले 5 से काट लीजिए, 16 25 80, 15 25 75, फिर 16 25 80, ये 40 है मेरे दोस्तों, 40 40, तो 15 40 हो जाएगा। फिर 8 से काट लीजिए, 8 एकम 8, 15 8 9 16, फिर 2 से 1 15, फिर 3 से 3 बजे 15 1 1, फिर 5 से 1 1। अब एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 8 40 2 9 80 गुणे कितना होगा, 3 5 15, 8 5 40, 40 2 9 80, 80 × 15, 80 × 15 कितना, 15 8 120 यानी 1200। अब आपको किसके करीब पहुंचना है, आपको करीब पहुंचना है 5000 के, तो 5000 के करीब पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 1200 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 5000 के करीब पहुंच जाए। तो अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 4800 बन जाता है, लेकिन अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4800। अब दोस्तों अब देखना है कि मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, तो 40 75 80 है और कितना है, 30 65 70, डिफरेंस कितना है, 10 का इसमें है
दस का इसमें भी है, दस का इसमें भी है। अब क्या करना है, 4800 में से 10 घटा देना है तो 4790 आपका हो जाता है, 4790, 4790 आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों देखते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि बोला गया है 5000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40, 75, 80 से भाग देने पर शेष क्रमशः 30, 65, 70 बचे। तो सबसे पहले क्या करना है, 40, 75 और 80 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 5 से काटिए पहले 15 40, 15 75, 16 80, फिर 8 से 8 एक 8, 15 नोट कर दीजिए, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, फिर 15, फिर 1, फिर 3 से 3 बजे 15, फिर 1 1, फिर 5 से 1 1 1। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 40, 40 दूना 80, 80 गुणे 3 बजे 15 तो कितना हो जाएगा, 1200। अब दोस्तों क्या करना है, ये 1200 आपका आ गया। अब 1200 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 5000 के निकट पहुंच जाए। तो अगर 1200 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाता है 4800, आपका हो जाता है 4800। अब दोस्तों हमको देखना है कि मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच कितने का डिफरेंस है। तो 40, 75, 80 और 30, 65, 70, तो 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4790, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया, 40, 75 और 80 का एलसीएम निकाला जो कि हमारा 1200 बना। अब बोला है कि 5000 के निकटतम पहुंचना है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि 4800। अगर उससे ऊपर जाएंगे यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6000, जो कि 5000 के निकटतम लेना है, तो मैंने 4800 ले लिया। अब देखा मैंने मूल संख्या और शेष बची हुई संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, जो कि 10 था, तो 10 मैंने घटा दिया, जो कि 4790 मेरा आंसर हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। जैसा कि बोला गया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 30, 50 से पूरी पूरी विभाजित हो। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 999, 900, 875, 800। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो दोस्तों कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होता है। अगर पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9999 होता है। अगर 5000 की 5 अंकों की पूछा जाए तो 99999 होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको 25, 30 और 50 का एलसीएम निकाल लेना है, 25, 30 और 50 का एलसीएम निकाल लेना है। तो निकाल लीजिए, तो 5 25 25, 5 36, 5 50, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 1, फिर 3 से 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 25 25 दूना 50 150, यानी आपका एलसीएम आ जाएगा 150। अब दोस्तों बोलता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको सोचना ये है कि 150 में किससे गुणा करें कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाए। अगर मैंने इसमें 6 से गुणा किया तो 900 आपका हो जाता है, 6 से गुणा किया 900, अगर इससे आगे जाते हैं तो 15 7 105 यानी 1050 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा है। हमको क्या लेना, इसके करीब या इससे कम, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। फिर से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लिया जो कि 999 है। अब दोस्तों क्या करना है, 25, 30 और 50 का एलसीएम निकाल लेना है, जो कि 150 आया। अब सोचना है 150 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 999 के करीब पहुंच जाए। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया जो कि 900, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 50, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिख लेना है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब क्या करना है, 50 75 80 का एलसीएम निकाल लेना है, 50 75 और 80 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। अब काटिए तो 5 2 50, 15 5 75, 16 5 80, फिर किससे, 5 से 5 2 10, 5 6 15, फिर 16 नोट कर लेना है, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 3, फिर 2 से 2 4 8, फिर 3 फिर 1, फिर 2 से 2 2 4, फिर 3 फिर 1, फिर 2 से 1 3, फिर 1, फिर 3 से काट लीजिए 1 1 1, ऐसे कितना आएगा, 5 5 25 2 50 2 100 2 200, 200 2 400, 400 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 1200। इस तरीके से मैंने देखा दोस्तों कि 50 75 80 का ऐसे 1200 हो जाता है। अब बोला है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब सोचना ये है कि 1200 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 9999 के करीब पहुंच जाए, तो मैंने 8 से गुणा कर दिया जो कि 9600 मेरा हो जाता है। अगर इससे अधिक अंक से गुणा करते हैं यानी 8 के बजाय 9 से गुणा करते हैं तो हमारा 10000 के ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि हमको 9999 के करीब लेना है, तो हमारा 9600 आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि लिखा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मौसम 12 है तो लॉसो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेना है कि माना कि दो संख्याएं क्या है, एक 3x है दूसरा 4x है, यानी एक 3x है दूसरा 4x है। अब बोला है मौसम 12 है, तो मौसम क्या होता है मेरे दोस्तों, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वो मौसम होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी 36, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 48। अब क्या पूछा गया है, लॉसो ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या 36 आ गया, दूसरी संख्या 48, तो 36 और 48 का लॉसो निकाल लीजिए, 36 और 48 का लॉसो निकालिए, तो 12 3 36, 12 2 48, फिर 3 1 3, फिर 4 नोट कर लेंगे, 4 1 4, फिर तो इस तरीके से आपका एलसीएम कितना होगा, 12 3 36, चौक कितना होता है 36, चौक को 4 6 24 को 4 4 12 2 14, So, दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मौसम 12 है तो लॉसो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं एक 3x है और दूसरा 4x, एक 3x है दूसरा 4x, बोला है मौसम 12 है, तो मौसम क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है x, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12 3 36, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 4 48। अब बोला है लॉसो कितना होगा, तो 36 और 48 का लॉसो निकालना है, 36 और 48 का लॉसो निकाल लीजिए, 36 48, तो हो जाएगा 12 3 36, 12 2 48, 3 1 3, फिर 4 नोट कर लेंगे, फिर 4 1 4 1, तो इस तरीके से आपका लॉसो कितना हो जाएगा 12 3 36, चौक कितना होता है 144, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। इस तरीके से फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कि बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मौसम 12 है तो लॉसो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानना है कि माना कि दो संख्या है, एक 3x है और दूसरा 4x है, बोला है मौसम 12 है, मौसम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है x, तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो पहली संख्या क्या होगी 36, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 48। अब लॉसो ज्ञात करना है, तो 36 और 48 का लॉसो ज्ञात कर दीजिए जो कि 144 होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा लॉसो 7 है तो मौसो ज्ञात कीजिए। इसके पहले आपको क्या ज्ञात करना था, लॉसो ज्ञात करना था, और इस क्वेश्चन में आपको मौसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या मान लेना है कि दो संख्या क्या है, एक 4x है और दूसरी संख्या क्या है 5x है, तो दोनों में कॉमन क्या है x, लॉसो क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा जो बचेगा उसको भी नोट कर लेंगे, तो 5 × 4 कितना होगा 20x, तो 20x आपका लॉसो हो गया, लॉसो की वैल्यू कितना दे दिया 60, 20 3 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो लॉसो का मान कितना होगा 3, सॉरी मौसो का मान कितना होगा 3, मौसो वही ना होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है x, तो x की वैल्यू 3, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आप
ए के साथ चले जाएंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले दोस्तों जैसा कि बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात चार संबंधी पांच है तथा लौसा 60 है तो मौसा क्या है। तो क्या करना है दोस्तों, मान लेना है कि दो संख्या एक पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 5x है। बोला है लौसा 60 है तो इन दोनों का लौसा कितना होगा, 4 5 20, x का मैंने 3 लिया है तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो 3 हमारा मौसा हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्याओं में कॉमन केवल 3 है। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। सो दोस्तों, लौसा और मौसा पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको मैंने बता दिया है। जो भी क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट अथवा किसी भी ट्रिक पर बाकी होगा उसको मैं कल टॉप 20 क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आऊंगा, उसमें सारे कवर करा दूंगा। सो दोस्तों, अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो लॉसो और मसो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि LCM NSCF by OD Study Point। सो दोस्तों, आपको पिछली वीडियो भी मिल जाएंगी। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो मैथ और रीजनिंग की आपको सबसे पहले मिलती रहे।